जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां देर रात 62 वर्षीय बुजुर्ग को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। वही मृत्यु के बेटे का कहना है कि उसके पिता की हत्या उसी के ससुराल ने 1,00,000 रुपए के विवाद में की है, और मृत्यु के बेटे ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई है। मैं आपका हसीन जी, क्या मामला, जो आपके घर पर काफी भीड़ लगी है, घर के बाहर क्या घटना हुई है? मेरे पापा की हत्या कर दी गई जी रात। पूरी घटना क्या है? पूरी घटना है जी, मेरे जो है मेरे सालों पे 6-7 महीने पहले के पैसे थे 1,00,000 रुपए। मैंने जो है मांगा उनसे 5-6 दिन पहले 4 दिन पहले भी विवाद हुआ था हमारा, और फिर 4 दिन के बाद जो है रात्रि में आई रात 12:30 बजे जो है उन्होंने हत्या कर दी। कितने लोग थे? 5 थे जी। अच्छा, कितनी गोली लगी आपके पापा को? वो कह नहीं सकते जी, पूरा हाथ जाएगा घायल हो। शामली से आकाश मलिक, दिव्य पंजाब के लिए।